मतलब कोई भी उच्च अधिकारी कुलपति तो यहाँ ना तो पुलिस आने की जरूरत थी, ना एसटीएफ आने की, ना मुख्यमंत्री का आदेश आने की। छोटे बच्चे हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे पास किसी हाँ जो भी है थोड़ी करेंगे मैडम। दो महीने का समय आप तीन महीने बता रही हैं, फरवरी में कराएंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी। मैम एक बात आपके लिए, 10 दिन का समय होता है, यहाँ चुनाव अधिकारी बहुत खड़े हुए हैं। प्राथमिकता एग्जाम, फिर आपके लिए प्राथमिकता कन्वोकेशन, फिर आपके लिए प्राथमिकता नैक, फिर आपके लिए कर्मचारी संघ, फिर शिक्षक संघ, हम कब है और हमसे विश्वविद्यालय है कि तुम सारी जो भी हम स्टेक होल्डर कौन है? अरे मैं मेन स्टेक होल्डर कौन है विश्वविद्यालय का? अब आज आप मना कर दीजिए कि छात्र नहीं है, हम बिल्कुल डिमांड ना करेंगे। अब मैम क्या समस्या? आज क्या आश्वासन मिला आपने, ज्ञापन दिया? कई समय से एनएसओ छात्र संगठन शासन चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर रही है, विभिन्न माध्यमों से हमने उग्र आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी और तानाशाही पड़ा हुआ है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने खंडारी कैंपस से लेकर विश्वविद्यालय के बीसी आज तक पैदल मार्च किया, सभी कैंपसों में गए, छात्रों को जागरूक किया, छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय के अंदर होने चाहिए। आज हम लोग विश्वविद्यालय के बीसी साहब से मिले और हमने ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करें, और बीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जो प्री पोस्ट एग्जाम की जो सर्वर है, जो वेबसाइट है, वो खराब हो चुकी है, अगर वो सही होती है एक या दो दिन में या तीन दिन में, तो उसके बाद हम डेट डिसाइड कर देंगे और छात्र संघ चुनाव कराएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, वाइस चांसलर ने भी हमको झूठा आश्वासन दिया है, तो एनएसओ लगातार प्रोटेस्ट करेगी और धरने पर बैठेगी। इसका जिम्मेदार अगर किसी छात्र को हानि पहुंचती है, उसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन है। एनएसयूआई और हमारे जो साथी के भाई हैं, सब हम मिलकर छात्र संघ चुनाव को लेकर इतने दिन से धरना दे रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और आज भी हमने खंडारी परिसर से बीसी हाउस तक यहाँ तक हमने 5 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और ज्ञापन भी दिया है। कुलपति ने हमें आश्वासन दिया है कि जो परीक्षा को लेकर वेबसाइट जो सही नहीं चल रही है, उसके बाद में हम तुम्हें चुनाव की तिथि घोषित करेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो एनएसए उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं विश्वविद्यालय होगा।